नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अश्विनी दीक्षित क्या है यार, तुम हमेशा कविताएं पढ़ती रहती हो। एसीपी अश्विनी दीक्षित की बीवी हो, कभी क्राइम नॉवल शॉवल पढ़ा करो ना यार। प्लीज मेरी पोएट्री में अपना क्राइम मत डालो। मैडम, क्राइम में भी पोएट्री होती है, पता है? एंड फॉर गॉड सेक, क्राइम और पोएट्री को कंपेयर मत करना। अरे क्यों ना करें, तुम लोग क्या कहते हैं, वो सांसे थम गई, हम बोलते हैं मर्डर हो गया, सिंपल। प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारी कविताओं में ना लोग दिल देते हैं, दिल लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार। कोई देखे तो दिखाए दिल, खत्म हो जाएगा वो, फिनिश होमिसाइड। ऐसे कुछ भी इलाजिकल बातें करते हैं, फिर इरशाद, वाह 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 वाह। तुम ना आर्ट को कभी नहीं समझोगे, तुम्हारे लिए इट्स गन्स, क्राइम, मर्डर, दैट्स योर थिंग। क्राइम में भी आर्ट है। अच्छा। तुम्हें चिढ़ाने में भी आर्ट, जैसे मैं जानता हूं। भाई गॉड, क्या चिढ़ती हो यार तुम। मारने का दिल कर रहा है ना मुझे, तो कर दो दफा 307। वो क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर करना चाहिए। अच्छा कुछ सुना तो ना प्लीज। तुमने तो मूड बिल्कुल खराब कर दिया, डेफिनेटली नॉट। ठीक है भैया। हमारा तो मूड है, हम ही पढ़ लेते हैं खुद। अच्छा ये ताजा लिखा है आपने, वेरी गुड। मैं कैसे मानूं
बरसते नैनों की तुमने देखा है पीको आते, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों की तुमने देखा है पीको आते, न काग बोले न मोर नाचे, न कुकी कोयल न चटकी कलियां। वाह क्या लिखा है यार शिखा, कमाल है यार, कैसे मानेगी बताओ, आई विटनेस है ही नहीं तो कैसे मानेगी हैं? अब आगे की कविता सुनाऊंगा तो कविता का पोस्टमार्टम हो जाएगा। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है, मैं सुनना चाहूं जुबान से सब कुछ, वो करना चाहे नजर से बतिया। ओ, ओ, तीन बार बोलना। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। सपना देखा? हाँ यार, पीछे ही नहीं छूटता। फोन नहीं उठाओगे? अंकित होगा रिसेप्शन पे, और कौन? राइट ऑन टाइम। एक बार चिड़के, एकदम चिड़के। राइट ऑन टाइम, गो गेट इट। सर कैसी रही छुट्टियां? आई होप यू हैड फन सर। पुलिस वाले और फन। बियर शेयर, वोडका शोडका और किशोर दा के हे हे आहा। सर आप इतने प्यार से देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, आपके प्यार से डर लगता है, गुस्से से नहीं। सोचो मेरा क्या होगा। आपको रिलैक्स्ड देख के ना सर बहुत अच्छा लग रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी इस वीकेंड कुछ प्लान बना लूँ। प्लान बना लो भाई साहब, छुट्टी मिलेगी? कहाँ सर, इन मीडिया वालों के चक्कर में डबल मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह हमारे से पहले पहुंच जाते हैं। वो राइटर वाले केस को कुछ ज्यादा ही उछाल रहे हैं ये लोग। वैसे सर आप सही थे, वो जो फिंगरप्रिंट्स थे ना वो मैच हो गए सस्पेक्ट के साथ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ सर। राइटर अपने बुक लॉन्च में खुद मर्डर करेगा, ये बात कुछ जमी नहीं मुझे यार। सर नेगेटिव पब्लिसिटी। हाँ नेगेटिव पब्लिसिटी तो ठीक है, लेकिन यार तुम काम की बातें क्यों कर रहे हो यार, हम लोग हॉलीडे पे है ना। वैसे छुट्टियों में कविताएं तो लिखी गई होंगी। तो कुछ सुनाइए ना। सुनाओ। ठीक है। जो वादियों में उतर रही है गगन से आकर, जो पर्वतों पर बिखर रही है सफेद चादर, वही तो मैं हूं। जो इन दरख्तों के सब्ज पत्तों पे खेलती है, जो ओस बनकर हर एक मौसम को झेलती है, वही तो मैं हूं। ओके सर। हाँ गुड बाय।
क्या हुआ? नहीं, मैं इस घर के अंदर नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तुम बिल्कुल बदल जाते हो, ये दुनिया ही अलग है। तुम्हारे केसेस, फाइल्स, स्केड्यूल्स में मेरे लिए जगह कहाँ है? ये घर का जो फेस है और तुम्हारा जो केस है। मैडम, आगे की कविता शेष है। हाँ अंकित, बोलो। हाँ, अच्छा, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ। ओके शिका, कहाँ हो? चेंजिंग। मैं आता हूँ। नहीं, अरे वहाँ नहीं, मैं बाहर जाके आता हूँ। अभी अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो वापस? नहीं, थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। वेट करो, मैं आ रही हूँ, वेट करो। अच्छा, तो सांप को बिल्कुल सही सही बताना, समझे? जी शाह। सर, सॉरी सर, आपको तुरंत बुलाना पड़ा। मुझे क्या है, शिखा से डांटा तुमको आनी पड़ेगी। खा लेंगे सर। विटनेस कौन है? ये लोग हैं सर, इन लोगों ने ही सबसे पहले बॉडी को देखा था सर। सर को ठीक ठीक बताओ क्या देखा था तुम लोगों ने। साहब जी, मैंने करीब 4 बजे मैकना मैडम का घर का बेल बजाया था। क्या हुआ? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, काफी देर से घंटी बजा रहा हूँ। अरे रुक जा, आ जाएगी। पर मैं काफी देर से खड़ा हूँ, दरवाजा भी खुला है। अच्छा, मेघना, बाल कंडीशन है, आई मीन बैड कंडीशन सर। इसको मारने का कोई सोच भी कैसे सकता है? इसे मारने जो आएगा, इसे देख के खुद ही मर जाएगा। क्यों? She is so beautiful. I see. तुमको तो यार राइटर बनना चाहिए था। पुलिस की नौकरी छोड़ दो। अरे नहीं सर, हम तो पुलिस वाले ही भले हैं, राइटर से ज्यादा कमाते हैं सर। अच्छा, ट्राई कर चुके हो क्या? सर मैं वो बाकी कमरे चेक करके आता हूँ अभी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक से देखो। Demons in the dark. ये फाइल्स कस्टडी में लेना। ओके सर। दरवाजा तुमने खोला? नो सर। ऐसे था पहले से? जी सर।
सर पूरा फ्लैट इन्वेस्टिगेट कर लिया है, बस पोस्टमार्टम की रिप। सर ये वही नाइट क्लब है, पिछले साल याद है आप वारंट लेके घुस गए थे ना। पता करो ये किसके साथ जाने वाली थी आज, वी अभी पास है ना। हो सकता है सर ये अकेले ही जाने वाली हो। सब लोग तुम्हारी तरह शरीफ थोड़े होते हैं। वोडका डायरीज, फिंगरप्रिंट्स। हाय हाय, रूम इज अवेलेबल। या सबसे पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड की जेरोक्स कॉपी, उसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अभी यहाँ रिसेप्शन पे जमा करवाइए। उसके बाद एक्सक्यूज मी, भाई साहब कमरा मांग रहा हूँ मैं, लंदन का वीजा नहीं मांग रहा आपसे। एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू इट वर्क्स। सर का तो बस कमाल है। क्या कमाल है? सेंस ऑफ ह्यूमर। एक्चुअली मैं अपने स्टाफ को सिखा रहा था कि गेस्ट को कैसे रिसीव करना है, उनके साथ फ्रेंडली कैसे होना है। सिखा दिया, अब बताइए। नहीं नहीं आप बताइए, आप लोग क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा, क्या लेंगे बताइए? कमरा। सेंस ऑफ ह्यूमर। सर का तो बस कमाल है। चाबी। वेलकम वेलकम, आइए आइए। नॉट बैड, नाइस रूम। मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको सबसे बढ़िया रूम दूंगा। बाय द वे ये रूम मैंने खुद डिजाइन किया है। रियली? अच्छा डिजाइन कर लेते हैं आप। या नाइस अरेंजमेंट। यू नो व्हाट रोनी, तुम वहां सोओगे और मैं यहाँ। अरे बतख संभाल के। ओके अरे बतख तो संभाल लेंगे हम आपकी, लेकिन ये बताइए कुछ दूसरी दुनिया में जाने का इंतजाम? बताइए बताइए। मुझे लगता है बाकी के सारे अरेंजमेंट्स आप लोग खुद ही देख लेंगे। आई विल टेक योर लीव, हैव अ नाइस स्टे। थैंक यू थैंक यू। सो व्हाट्स नेक्स्ट, बिगाड़े बतख? फर्स्ट अ हॉट शार। हॉट शार, नाइस आइडिया। इजी रोली, जस्ट मी। अच्छा। I'm so sorry. No, it's okay. Actually, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। बतख ठीक है ना? हाँ। क्या है कि आज हमारे क्लब की एनिवर्सरी नाइट है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों वहाँ पर आएं। ये आपके दो पासेस हैं। प्लीज डू नॉट मिस दिस नाइट एंड बिलीव मी, आप अपनी दूसरी दुनिया में जाने का प्लान भूल जाएंगे। थैंक यू। तुम्हारी मॉम को पता चला तो? माय मॉम इज अ स्वीटहार्ट, उनको बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा है। यू नो काव्या, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली दिस इज हैपनिंग। मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं किया है, दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी, बट आई हैव नो क्लू व्हाट्स गोना हैपन, आई एम स्कैर्ड। इसको आइसोलेट करना। आगे कुछ नहीं? नहीं सर, और फुटेज नहीं है। एक काम करना, वो लिफ्ट वाला दिखाना फ्रेम बाय फ्रेम जरा। अच्छा शिखा, सॉरी यार निकलना पड़ा मुझे। हाँ होल्ड, एक फ्रेम पीछे। हाँ मैं खाना खा के आऊँगा, ठीक है? ज़ूम ज़ूम ज़ूम। नहीं नहीं तुम खा लो। शिखा मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं फोन करूँ बाद में, ठीक है? और ज़ूम करना। बस बस, ये जो दो पासेस दिख रहे हैं ये सिर्फ मुझे दिख रहे हैं या तुम्हें भी दिख रहे हैं? नहीं सर, दो ही हैं। सर
You were absolutely spot on, sir. विवेक राजपूत, इसका और मेघना का एक साल से रिलेशनशिप था सर. आज वोडका डायरीज क्लब में इनकी रिजर्वेशन भी थी. वो खींचने वाला दिखाना था. ये जो खींच रहा है ना लड़की को. जी जी सर. प्यार से खींच रहा है कि कोई और इंटेंशन है? सर मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारा तो एक्सपीरियंस होगा ना इन सब मामलों में. सर आपने तो मुझे एकदम चल देखते हैं. देखते हैं कैसे खींच रहे थे यार. थैंक यू. नाइस गेम. आई सेड नाइस गेम. गेम शुरू हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं. अभी से नाइस. बाय द वे आई एम विवेक. विवेक राजपूत. आई सी. वैसे नाम जानने के बाद नाम बताया भी जाता है. तुम जनरली इतने चीजी हो या आज कुछ स्पेशल है? नो वंडर. इतनी भीड़ में भी तुम इतनी अकेली. अकेले तो तुम हो. कम जॉइन अस. सॉरी मैं स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं नहीं जाता. रोशनी बनर्जी. अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो कम ऑन. तो सिर्फ फ्लर्ट करते हो या यू डू समथिंग फॉर रियल इन लाइफ? फ्लर्टिंग तो सिर्फ मेरा टाइम पास हॉबी है. बेसिकली आई एम अ किलर. किल व्हाट? टाइम. गर्ल्स. आई किल ब्यूटीफुल गर्ल्स. तो कोई मिली यहाँ? मिली ना. पर लगता है वो खुद भी एक प्रोफेशनल किलर है. तुम्हारी फ्रेंड को इंप्रेस करना बहुत टफ है यार. नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड माय फ्रेंड. दिस मेक्स एवरीथिंग इजी. एक लगाओ सब आसान. नो थैंक्स आई विल मैनेज. ओ हाय. किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो बस. क्लब तो हो गया, अब कुछ नया करें? लॉन्ग ड्राइव पे चलें? Well, as long as you don't promise to kill me, Mr. Professional Killer. Where's your manager? So he's in the club, sir. Club mein check kar. Yes, sir. Your guest list, please. Yes, sir. Ankit? Yes, sir. Officially ja rahe ho, theek hai? Yes, sir. You have the entire list here? Yes, sir. No problem, no problem. Sab under control hai, sab under control hai. Don't... Oh... क्या बात है सर, आप खाना पसंद नहीं था तो चेंज करवा देते? इतनी छोटी सी बात के लिए म्यूजिक रुकवाने की क्या जरूरत थी? मेघना और विवेक राजपूत के नाम एक टेबल बुकिंग थी शाम को. आई एम सो सॉरी सर, क्लब की पॉलिसी के हिसाब से नो लास्ट मिनट कैंसिलेशन सर. तुम्हारे क्लब का कैंसिलेशन करवा दे चलेगा? सर बात क्या है सर? Oh.
कुछ कुछ जगह पे तो सरनेम है ही नहीं, अभी कुशल लिखा है, श्रीवास्तव है, पांडे है, I mean, how will I know? I'm really sorry sir, I'll get the details. Yes please. Sir, हाँ, ये सैम है, आखिरी बार इसी ने विवेक को देखा था सर जाते हुए. मैंने किसी को नहीं देखा. तूने बताया ना अभी तूने विवेक को जाते हुए देखा. नहीं, मैं कुछ नहीं बताया, इसको ऐसे ही बोल रहा है. मैंने किसी यार अभी तूने क्या बताया था विवेक को जाते हुए देखा था तूने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को. ओए सैम. सैम नहीं बंधु, सोम, सोमेश्वर. साले क्या है जो जानता है ठीक ठीक बता. जानने जाने वाला मैं कहता हूँ, जो जानता है उसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ. हाँ मैं जानता हूँ. तन की नहीं मन की आंखों से देखो बंधु, वो यही है हमारे बीच, उसे सब पता है. वो आपको देख रहा है, देख के कह रहा है कि देखो तो इनको, आपको देखे और आप सर वो अभी निकले हैं, आधा घंटा हुआ है. अच्छा एक लड़की भी थी उसके साथ में, मैं जानता हूँ दोनों को. कहाँ गए लोग? सर मैं नहीं जानता कहाँ गए, मगर मैं उनको आज ही मिला हूँ सर, आज सुबह ही आया हूँ दिल्ली से सर. चेन लगाना सिखाओ इसको. सर हाँ शिखा, सॉरी यार फोन काटना पड़ा. नहीं नहीं मुझे भी नहीं मालूम था इतना टाइम लगेगा. हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है. नहीं नहीं मैं निकल गया हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ. ठीक है चले. यस सर. पागल हो गए हो? कितना ड्रिंक करोगे? दिस इज आवर फर्स्ट डेट काव्या, सो इट हैज टू बी अमेजिंग. वेटर मुझे ना इस वक्त तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है. एंड यू नो व्हाट, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो. हेलो. हाँ काके बोल. अबे अचानक कहाँ गायब हो गया? दस को फोन आ गया तेरे घर से. अचानक नहीं यार, वो कुछ एक जरूरी असाइनमेंट आ गई थी जरूरी, उसके लिए आया हूँ. बेटे असाइनमेंट तो तेरी गोद में बैठी होगी इस वक्त. मौसम कैसा है वहाँ? हेलो धोनी. हेलो क्या? अबे मौसम पूछ रहा हूँ. मौसम बहुत हॉट है, बहुत हॉट है मौसम. क्या मनाली में हॉट है? हाँ एक मिनट. कैसी लग रही हो? बहुत सही. अरे बहुत सही. वेरी गुड वेरी गुड. लेट्स गो. ब्यूटीफुल. डर लग रहा है? पूछ रहे हो या बता रहे हो? शायद दोनों. डर का भी अपना एक अलग नशा होता है. You should try it sometime, you know. Of course. Don't take advantage of this situation. There's a lot to happen. Oh babe, 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 babe. Oh babe, 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 babe. मैं हूँ अगर शराबी तो क्या हुआ, इसमें क्या है खराबी? Baby, चाहे पियो जनिया चाहे पियो जानी, है नशिया दी रानी बोतल शराब. Oh babe, 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 babe. Oh babe, 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 babe.
जिंदगी ते लोकां ले खराब गम दूर करे एक बोतल शराब मैं पहली पीती अज दी हुण जेड़ी वेखां जच दी ऐ पर यारो कच दी बोतल शराब अंगूर तू ऐ खिचदी मैं अंगूर जाके नचदी मैं जिन्ना पीवां पचदी बोतल शराब Sorry for the delay, ma'am. Your drinks? It's about time. You kept me waiting. Thank you. इतनी देर तक उलझे हुए थे. जरूर कुछ तो चक्कर था. चक्कर ये है, मैडम, कि कोई चक्कर है ही नहीं. तुम जो हो, you know, खूबसूरती and all that, very difficult. How was your day? क्या हुआ? वही. एक लड़के ने दिल दे दिया लड़की ने नहीं दिया लड़के ने कहा छोड़ो यार छीन लेते हैं खेल खत्म होमिसाइड और मुझे फोन करने के अलावा आपने क्या किया आज कुछ लिखा है तो सुना दीजिए मतलब होमिसाइड से बाहर निकल के आप कुछ सुनना चाहते हैं हाँ मैं हमेशा क्लू ढूंढता हूँ ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं मसरूफ में बहुत हूं मगर बेखबर नहीं ओए क्या बात है सही पंक्तियां सिक्योरिटी कैमरा के लिए नहीं मतलब नजर है 24 आवर्स नजर है लेकिन आप बेखबर हो अच्छा अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा इरशाद के अलावा मैं और नहीं सुनाना चाहता अरे प्लीज यार सुना सुनाओ सुनाओ ना एक और सुनाओ हाँ एक और इरशाद का इरशाद माजी की राख उल्टे तो चिंगारियां मिले बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं टू मच बहुत डीप था यार मैं तो मर गया कुछ समझ में आया अंकित बोलो हैं अरे यार अच्छा मैं पहुंच रहा हूँ ठीक है फॉरेंसिक्स वाला आ गए हाँ पहुंच रहा हूँ ठीक है हाँ अंकित मैं पहुंच गया हूँ कहाँ है तू अच्छा सर ये तो बैटमैन बन गया सर इसको नीचे उतार
and check on the girl who was with him. जी सर. हेलो. सर. हाँ. वन मोर. वोडका डायरीज. Lash man sleeping. अच्छा. हाँ भाई मैनेजर. सर मैं क्लब की कसम खाता हूँ सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता. मतलब भगवान अपने आप यहाँ पर आए और रॉनी को अपने साथ लेकर चले गए. सर एक बात कहूँ, ये दोनों उस दिन किसी दूसरी दुनिया में जाने की बात तो कर रहे थे. ज्यादा बकवास करोगे ना तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा मैं. अब किसने देखा था सबसे पहले रॉनी को? सर सबसे पहले सुबह सुबह जब हाउसकीपिंग वाले ने डोरबेल बजाया और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने आके मुझे बताया और मैंने आकर देखा कि अंकित. यस सर. यस. ए पूरा होटल सील करो फटाफट, सबसे पूछताछ करो, चलो 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 फास्ट. ये आप क्या कह रहे हैं सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. व्हाट अबाउट माय गेस्ट, माय स्टाफ? प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है भाई, आज बढ़िया मैच चल रहा है, सब मिलकर देखना बस बिंदास. सर सर प्लीज सर, हमारा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा सर, आप ऐसा करेंगे तो. बिजनेस? It's none of your business now. Murders हो रहे हैं यहाँ पर. But sir, lawyer है lawyer. जी. Lawyer. करवा लो. काम आएगा. लड़की कहाँ है? वो सारा वो वहाँ नीचे है. क्या लगता है सर आपको? साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है. एग्जैक्टली सर. क्या हो रहा है? एक मिनट एक मिनट. हटिए हटिए. एक्सक्यूज मी. प्लीज 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 हटिए हटिए मैडम. इसको तो मैं बोल भी नहीं सकता. फ्रीज. मतलब वो ऑलरेडी फ्रीज हुआ है ना सर. इसको निकालो उसको. ए मैनेजर नीचे प्लीज.
अश्विनी दीक्षित। कौन बोल रहे हैं? Are you enjoying these murders? हैं? By the way, how's Shikha? क्या बकवास कर रही है? हेलो, हेलो। हाँ शिका। She's beautiful. What? Hey, how dare you? तू जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरी बीवी को कुछ हो? इश्क क्या है? शिका? ये इश्क शिका? हेलो? Nice book, by the way. पढ़ने जैसी है। हाँ? हाँ वो काफी पॉपुलर है बुक। भाई साहब। हाँ? अरे भाई साहब हटाओ ना, ट्रैफिक क्लियर हो गया। हाँ भाई मैं क्या, एक मिनट। गाड़ी हटाना यार। अरे जा रहा हूँ, रुको यार। कोई था ना यहाँ पे बुक वाला? कौन? एक लड़की थी। अरे कोई नहीं था, गाड़ी हटा। अरे निकल भाई। हाँ निकल रहा, निकल। हटा रहा हूं मैं, हटा रहा हूं।
हो ना? तुम कितना परेशान होते हो, इतना क्यों सोचते हो? केस पेचीदा है ना, सोचना पड़ता है। अंकित आया हुआ। I got it. Thank you. क्या कर रहे हैं सर आप? मैं अंकित, अंकित सर मैं अंदर कैसे है? सर सर दरवाजा खुला था तो मैं अंकित सर अंकित हम वो वोडका डायरीज मर्डर्स हम केस सॉल्व कर रहे थे ना सर। हाँ क्या हुआ इसका? वोडका डायरीज, हाँ क्या हुआ? सर मैं अभी वो सीसीटीवी फुटेज चेक करके आ रहा हूँ सर। मर्डर वाली रात को ना रॉनी किसी लड़की के साथ अपने कमरे में गया था सर। सारे मर्डर्स सर वोडका डायरीज को ही पॉइंट कर रहे हैं सर। हाँ सीसीटीवी फुटेज। यस सर। सो वी कैन कैच हर। यस सर। शिखा इज मिसिंग, शिखा इज मिसिंग। धमकी देती है फोन पे। शी इज मिसिंग विद अश्विनी दीक्षित। बैठ में जाऊंगा मैं इसकी। अब आप परेशान मत होइए सर। नहीं फोन आया था मुझे। ये फोन तो ये लास्ट कॉल ट्रेस करो, पता करो वेयर दैट ब्लडी स्टेज। गो। मैं करता हूँ सर। एंड मीट मी एट वोडका डायरीज। यस यस। Yes. ये सब क्या चल रहा है? होटल खोलने की परमिशन किसने दी? म्युनिसिपैलिटी ने। अभी पिछले हफ्ते तो सारे परमिशन रिन्यू करवाई थी। आप म्युनिसिपैलिटी से हैं? एक सेकंड। मुझे नहीं पहचानते हो? नहीं।
ये प्रॉपर्टी का नाम वोडका डायरीज है? Of course. Thank God. मिस्टर मैनेजर, तुम्हारे होटल में जो मर्डर्स हुए ना, उसको छुपाने की बड़ी बचकानी कोशिश है ये. मर्डर्स? ये क्या बात कर रहे हैं आप? निक भाटिया, रोनी दुग्गल चेकआउट कर गए. ये कैसा मजाक है? आप सुबह सुबह लगा कर आए क्या है? आपको अंदर किसने आने दिया? तीन बोतल लगा के आया हूँ, म्युनिसिपैलिटी से हूँ ना. अरे हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? सफाई कर रहे हैं. सिक्योरिटी, सफाई. अरे क्या बदतमीजी, आप हटिए यहाँ से. सेरा के रूम में लेके चल. सेरा? सीधे चलने तो तहस नहस कर दूंगा मैं यहाँ पे. ये क्या है? सिक्योरिटी कोई है यहाँ पे? अरे आप मुझे धक्का क्यों मार रहे हैं? आप हाथ तो उठाइए, मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ. आप मिस्टर समझ नहीं रहे हैं. सब समझ रहा हूँ मैं. क्या समझ रहे हैं आप? सारा खेल समझ रहा हूँ मैं तुम्हारा. देखिए, ऐसे किसी गेस्ट के रूम में बिना इंटरमिशन दिए हम नहीं जा सकते. मैं दिखाता हूँ ना कैसे जा सकते. दिखाता हूँ मैं. देखिए, हमारी एक रेपुटेशन है. इस तरह से आप अगर बिहेव करेंगे तो लोग हमारे होटल में आना बंद कर देंगे. हो सकता है कि वो आराम कर रही हूँ. कब से पानी नहीं आ रहा है? नाउ प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. हाय सरा. हाय, सो गुड टू सी यू नॉर्मल. आपकी तारीफ. एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे अंदर दाखिल नहीं हो सकते. दाखिल हो चुका हूं मैं. वन सेकेंड. क्या कर लोगे तुम? दिस इज माय रूम, प्लीज लीव राइट नाउ. हु इज ही? मैं खुद नहीं जानता. अरे ऐसे किसी मेरे रूम में चले आए. अभी क्या कर रहे हैं? अरे वाह, तुमने तो साफ ऑफ कर दिया यार. फ्रिज भी लगा दी तुमने, क्या बात है. इन्हें बोलिए यहाँ से बाहर जाए. अब ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्यों खोल रहे हैं? सब कुछ अपनी जगह पे. एक्सक्यूज मी, जस्ट लीव द रूम राइट नाउ. प्लीज प्लीज आइए. आई कॉल द पुलिस. आपके होटल को बंद करा दूंगी मैं. इन्हें बोलिए इसी वक्त यहाँ से बाहर निकले. आई एम सॉरी मैम, आप प्लीज आप आइए. सॉरी, आप आइए प्लीज, बाहर आइए. इसी वक्त यहाँ से बाहर जाइए. प्लीज कम आइए. मिस्टर मैनेजर, मैं तुम्हें देख लूंगा. इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, तुम फायदा उठा रहे हो. किसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है? किसकी मानसिक हालत? नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे पागल बोल रहे हैं. किसी मैड और व्हाट? क्या हो गया? सुबह सुबह किस पे चिल्ला रही हो? इन पे. मैनेजर साहब, वो गर्म पानी भी नहीं आया अभी तक. ठंडे पानी से नहाया हूँ मैं. पता नहीं कैसा होटल है ये. आई एम सॉरी सर, वो यस. कौन है आप? कौन है आप? एक कलम है इधर फ्रिज. क्या मैनेजर साहब, कौन है ये? मैं खुद नहीं जानता सर ये कौन है. एक्चुअली ये जबरदस्ती मेरे कमरे में दाखिल हो गया और यहाँ मुझे. एक मिनट, चलिए बाहर चलिए. और मुझसे कह रहे हैं मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं. क्या क्या क्या? मुझसे कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है. अरे आप बाहर चलिए, मानसिक हालत ठीक नहीं है. चलिए बाहर चलिए. आइए आइए चलिए. कैसा होटल है ये? गर्म पानी नहीं आ रहा है, ऊपर से कोई भी अंदर आ रहा है. आप खड़े क्या 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 घूर कर रहे हैं आप? आपको बोला ना बाहर चलिए. आइए आइए प्लीज कम आउट. गर्म पानी नहीं आ रहा, कोई भी अंदर आ रहा है. आपको क्या 10 बार बोलना पड़ेगा? चलिए बाहर चलिए. चलिए आपको समझाया ना. प्लीज लीव द रूम. अरे चलिए बस. सर, आपने जो एड्रेस ट्रेस करने के लिए कहा था वो मिल गया सर. ये एड्रेस जो आपने. हाँ 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 जी सर. ये जी सर. एक काम करो, वो जो मॉर्ग में जाओ जी, और वहां जितनी भी लाशें हैं ना उनकी तस्वीरें चाहिए मुझे. आई वांट प्रूफ. प्रूफ किस लिए सर? बट
नहीं, I want proof. आप परेशान लग रहे हैं सर. नहीं नहीं, I want proof. सर, आपका असिस्टेंट तो सर, आप मुझे नहीं बताएंगे तो सर. एनी प्रॉब्लम सर? प्लीज टेल मी सर. बीवी खो गई यार, क्या करूं राजू? सॉरी. नो, इट्स ओके सर. मैं चेक करके आता हूँ सर. हाँ ठीक ठीक है. क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? डिपेंड्स कौन पूछ रहा है. मेघना पूछ रही है या स्वर्गीय मेघना पूछ रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ नहीं, प्रॉब्लम ये है मैडम कि आपको मैंने कभी जिंदा देखा नहीं ना, मरी हुई थी आप. आपका दिमाग खराब है क्या? वॉचमैन, वेट, आई विल कॉल द पुलिस. प्लीज 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 कॉल द पुलिस. नंबर चाहिए आपको? हेलो, इट्स गुड, वुमेन सेफ्टी एंड ऑल दैट, वेरी गुड. पुलिस स्टेशन. देखिए यहां पे एक आदमी मेरे को बहुत परेशान कर रहा है. मवाली, मवाली है. प्लीज अब जल्दी आइए कायस विला में. प्लीज जल्दी आइए. हो गया, रखिए फोन. हो गया ना, रखिए फोन, रखो. अब ये मत बोलना कि तुम जुड़वा बहन हो वगैरह है फिल्म स्टोरी, समझी? कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में? तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो. तुम दूर रहो मुझसे. तुम मर चुकी हो. मुझसे दूर रहो. यू बी अ साइको राइट नाउ. यू गाइस आर मेकिंग मी साइको. शट अप. क्या कर रहा है तू? What happened baby? Are you okay? ये पागल आदमी कौन है? तू भी जिंदा निकला? तू मर गया था? मर गया था? तेरे सामने क्या भूत खड़ा है? वो पता नहीं, शमशान घाट तो खाली हो गया होगा तक. सबके सब जिंदा निकल रहे हैं. ऐसी बकवास करे जा रहे इतनी देर से ये. तू पिटके मानेगा. तुम पुलिस को बुलाओ. नहीं, लगा चुकी है वो फोन. आ रही है पुलिस. सबके सब 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 ठीक कर दूंगा मैं अभी. और तू तूने कहा था ना मेघना मैडम के घर पे घंटी बजाए 4 बजे. कब बोला मैं? घंटी बजे? मैं तुझे पहली बार यहाँ देख रहा हूँ. पागल है तू. मुझे क्या? तू तू लटका हुआ था, पेड़ से लटका हुआ था, समझे? लटका हुआ था? हाँ. तू खाकी मानेगा. अरे सुन, मैं क्या चोट तो नहीं लगी? इतनी तेज मारोगे तो लगेगी नहीं क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी, थोड़ा आइस वाइस लगा देना, ठीक हो जाएगा. एक बात बताओ, तुम लोग की कोई मजबूरी है क्या? एक क्या षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है. मैंने आंखों के सामने मैंने इनको देखा, बेड पे बैठी हुई थी, मर चुकी थी. तुमको मैंने देखा, तुम लटके हुए थे. ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे सर, आप यहाँ? माधुर, छोड़ो इनको.
बहुत जल्दी आ गए तुम लोग, थोड़ा और टाइम ले लेते। इन तीनों को लो कस्टडी में। तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने उनको पकड़ने के लिए बोला, वो तीन लोग वहां पे। ओए, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तूने क्या हमें पागल समझ के रखा हुआ है? हाँ? एक जिंदा इंसान तुझे मुर्दा नजर आ रहा है, और तेरे पास क्या प्रूफ है भाई कि तू जिंदा है? हाँ? सबूत चाहिए तुझे? है प्रूफ? सबूत चाहिए? तेरी सिट्टी पिट्टी घूम जाएगी ले। भाई वाह, आईडी तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। सुबह से शाम तक ऐसे बहुत आते हैं फर्जी आईडी लेके। चुपचाप से साथ में चल। एसीपी, इसे ढूंढ रहा था। चुपचाप साथ चल, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा। चल। क्या भाई, क्या समस्या है तेरी? ये आज ज्यादा पी के आया क्या? सर जी, पूरी बोतल पी के आया ये। तू क्या घूर रहा है भाई? हैं? नजर नीचे कर। एक स्टार गायब है तेरे यूनिफॉर्म से। यार यादव जी, ये मेरी मिसेज भी ना, कितनी बार मना किया है, वॉशिंग मशीन में मेरी वर्दी मत डाला करो। नहीं मानती है, करा देना डिमोशन। हाँ सर जी। और तूने बड़ा रिसर्च किया भाई पुलिस वालों पे। यार तू भाई, तू ऐसा कर, पीछे आ जा, इसको आगे। अरे अरे वो भागा, पकड़ो। यस सर। एसीपी अश्विनी दीक्षित।
Do you want anything, sir? Vodka. Okay. Barf. Sure, sir. Barf pasand hai tumko? What? Barf. Barf you like, no? Yeah. Pasand hai na tumko? Ji, sir. Ha? Dekha? I knew it. Dekha, kitne achse janta hoon tumko main. Ha? बर्फ की खासियत जानते हो? डेड बॉडी को सड़ने नहीं देती बर्फ. हाँ अंकित. सर आप? सर मॉर्ग में कोई बॉडी है ही नहीं. क्या पिछले एक हफ्ते से रॉनी मेघना विवेक नाम के किसी शख्स की एंट्री नहीं है यहाँ पे? सर सर ये हो क्या रहा है? हाँ तो मेरे घर पहुंचो, कुछ बात करनी. सर थाने में इन्फॉर्म कर दूं? नहीं नहीं थाने में खबर मत करना. इनफैक्ट तुम किसी से बात मत करना, ठीक है? सीधे मेरे घर पहुंचो. ओके सर. ओके सर. को तो मैं ढूंढ लूंगा, समझी? लेकिन तू जब मिलेगी ना, तेरा मैं क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकती है. आई एम सो डिसअपॉइंटेड. सुना था बड़े शर्लॉक होम्स हो, केसेस तुरंत सॉल्व कर लेते हो, पर अपनी बेबी को ही ढूंढ नहीं पा रहे हो. आर यू श्योर यू आर एसीपी अश्विनी दीक्षित? इतने क्लोज छोड़े मैंने, फिर भी आप पहुंच नहीं पाते हो. चलो एक और क्लू दे देते हैं. इन सब मर्डर्स के पीछे एक ही कारण है, वो कारण ढूंढो एंड दैट विल लीड यू टू शिखा. डोंट डिसअपॉइंट मी नाउ. ए ए सुन, हेलो हेलो हेलो. मर्डर्स के पीछे एक ही कारण है, वो कारण ढूंढो एंड दैट विल लीड यू टू शिखा. शी सो ब्यूटीफुल. मर्डर वाली रात को ना रॉनी किसी लड़की के साथ अपने कमरे में गया था सर. एक लड़की भी थी उसके साथ में. शी इज डेंजरस. बर्फ पसंद है तुम्हें? सारे मर्डर्स सर वॉडका डायरीज को ही पॉइंट कर रहे हैं सर. Thank you.
आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा हूँ। अंकित कहाँ था यार तुम? कम कम। अच्छा अंकित मुझे ना क्या जॉनसन गया था मैं। क्या जॉनसन? वहाँ मुझे कौन है आप? हाँ बैड जोक सुन। हेलो भाई साहब क्या है, किससे मिलना है आपको? मैं समझ गया हूँ जोक यार, अब क्या दोबारा रिपीट करेगा? खींचेगा उसको, छोड़ ना। सुन मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, वो जो एड्रेस यहाँ से। हेलो हेलो क्या है, एड्रेस वेड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं है यहाँ पे, चलिए निकलिए यहाँ से। अंकित इनफ। कौन अंकित? आई सेड इनफ। मैं अंकित नहीं हूँ, निकलो यहाँ से, ये दरवाजा लॉक करके रखा था आपने, चोरी करने आए यहाँ पे। हाँ तुम अंकित नहीं हो, मैं अश्विनी दीक्षित नहीं हूँ। अरे कौन है भाई, मुझको कुछ मालूम नहीं, निकलो यहाँ से, मेरे घर के अंदर घुस के बैठे हैं, दरवाजा लॉक करके रखा है, चोर साला। क्या टिका के आया क्या तू? ए किसे बोल रहा है रे टिका के आया है? हाँ दिमाग खराब है क्या? हो गया तुझे? चले निकल, चल बाहर निकल। अंकित क्या हो गया तुझे? ओए मैं अंकित नहीं हूँ, कितनी बार बोलूं? अंकित क्या हो गया तुझे? हेलो अंकित, चलो अंकित। ए अंकित अश्विनी दीक्षित, अश्विनी दीक्षित। अरे घंटा अश्विनी दीक्षित कौन है ये? अश्विनी जी, अश्विनी जी हट। तू भी मिला हुआ है उन लोगों से? अरे कौन मिला हुआ है यार, क्या है? अंकित तू मिला हुआ है उन लोगों से? किसके साथ अंकित? हेलो अंकित तू मिला हुआ है उन लोगों के साथ? कौन कौन क्या है कौन? अंकित शिखा कहाँ है? अरे कौन शिखा? शिखा कहाँ है भाई साहब, निकलो इधर से। शिखा कहाँ है? अरे निकल चल। शिखा कहाँ है? कौन शिखा यार? शिखा मेरी बीवी कहाँ है भाई साहब? एक एक हेलो बीवी कहाँ है? एक मिनट शिखा कहाँ है? देखो ये सब ये नहीं चलेगा। अंकित शिखा कहाँ है? देखो भाई लोग दो दिन का यहाँ पे, शिखा को क्या? मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, छोड़ो। घर किसका है अंकित? छोड़ दूंगा मैं। हाँ चल बहुत हो गया अंकित वंकित, चल निकल निकल साले, साला मेरे घर में घुस के आ गया। अरे भाग निकल भाग, क्या देख क्या रहे, मारेगा अभी, फोड़ दूंगा साले, यही खत्म हो जाएगा। शिखा कहाँ है? अरे शिखा गई तेल लेने।
Well done. Hello? Hello? क्या अब हमें अंदर जाना चाहिए? उन्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है. I know him. सैल्यूट नहीं करोगे? जमाना बदलता है तो इंसान बदल जाते हैं, नहीं? शिखा कहाँ है? गए तो थे उसे ढूंढने. यू कैन कम इन शिखा. तुम्हारा खेल समझ चुका मैं. देख लिया मैंने. क्या देखा? वॉलपेपर कंप्यूटर पे.
शिखा की तस्वीर उसके आशिक के साथ, दाढ़ी वाला। पहले बोल देती यार, चला जाता मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से। ये सब इस सब के पीछे शिकायत थी ना? यस, एवरीथिंग वाज प्लान्ड एंड सक्सेसफुली टू सर। सो फार सक्सेसफुल। नाइस ट्राई लेकिन गलत आदमी से पंगा लिया आप लोगों ने। क्या नाम है दाढ़ी वाले का? ऋषि गौतम। कब से चल रहा है सब? 27 जुलाई से, the day this book was launched. July 27 को मैं मिली थी ऋषि गौतम से, एंड आई थिंक यू वर ऑल्सो देयर, एम आई राइट? After the huge success of his last book, he's back with his next thriller, Redemption of a Murderer. Ladies and gentlemen, please welcome the master of mysteries, the very talented wordsmith, Mr. Rishi Gautam. Thank you. Thank you. We love you, Rishi. Oh, I love you too. कभी-कभी सोचता हूँ रोमांटिक राइटर ही बन जाऊँ। नहीं मतलब इतना प्यार मिल रहा है। अब प्यार है ही ऐसी चीज, कॉम्प्लेक्स मामला है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा रूढ़िवादी प्रिंसिपल है हमारे दिलो दिमाग में ये प्यार, कि अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो वो हमें मंजूर नहीं। जब प्यार बदलता है, प्यार करने वाले बदलते हैं, तो हमारी सारी दुनिया बदल जाती है। इसी बदलाव और उसके एडवेंचर्स की कहानी है रिडेम्पशन ऑफ अ मर्डरर। इस किताब में मैंने कहा है, पार्क योर डीमंस इन द डार्क। अगर आपके अंदर कोई विकृत, कोई असभ्य, कोई अश्लील भावनाएं हैं, तो कृपया करके उसे अंधेरे में ही रखिएगा, वरना एसीपी अश्विनी दीक्षित आ जाएंगे। सर, आपके बुक के कैरेक्टर्स काफी रियल लगते हैं, जैसे सब सामने हो रहा है। तो क्या आपके कैरेक्टर्स रियल लोगों से इंस्पायर्ड हैं? कोशिश करता हूँ कि किरदारों को और सिचुएशंस को रियल बनाऊं, एंड देन आई कंट्रोल देयर लाइफ। सर, आपको लगता है कि अश्विनी दीक्षित ऋषि गौतम से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है? कौन ऋषि गौतम? इट्स नॉट सो इजी। एक किरदार को जिंदा करने के लिए उसके रूह तक पहुंचना होता है। कांग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च ऑफ योर न्यू बुक ऋषि गौतम। थैंक यू डियर। जैसे मैंने कहा, अगर ऐसा कुछ लिख दो साइकोलॉजिकल थिंग। क्विक क्वेश्चन। यस। आई वाज जस्ट वंडरिंग हाउ यू मैनेज टू राइट सच कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। ह्यूमन बिहेवियर को लेकर आपकी समझ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हैव यू स्टडीड इट समवेयर? यस, आई हैव स्टडीड। आई स्टडीड इन अ ग्रैंड यूनिवर्सिटी। इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। नो, आई मेंट टू से दैट। ओह माय गॉड, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अटेंड टू माय वाइफ। शिखा,
ए, शिका, क्या कर रही हो यार? कहाँ जा रही हो तुम? मैं थक गई हूँ, ऊपर जा रही। तो मैं तुम्हें So, how's this all feeling? Well, it wouldn't have been possible without you. अपनी नई बुक के साथ साथ नई वाइफ मत लेकर आना, because I am not gonna leave you. ओह, संभालो अपने आप को। एक काम करता हूँ, मैं छोड़ के आता हूँ। Excuse me sir? हाँ। सर कुछ फोटोज और बुक साइनिंग के लिए चलिए ना। हाँ मैं जरा एक मिनट, मैं जरा ऋषि एक मिनट। हाँ? शायद तुम कुछ भूल रहे हो। क्या क्या भूल रहे हो? माय फोन। आई शो यू Are you okay? तुम पार्टी छोड़ के क्यों चले आए? मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। I'm okay. मुझे लगा मैं अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करने वाली हूँ। थैंक यू। माय प्लेजर। व्हाई डू यू ऑलवेज लाइक दिस ऋषि? ऋषि? शिखा, प्रेस वालों को बड़ा पसंद है बुक का टाइटल। Who are you? Who the hell are you? My husband. Listen. Get out. Aisa kuch nahi hua hai. Relax. Get out. Relax. Out! Stop it, Rishi! Stop it! How dare you? Who was he? He was my guest. He was your guest? Hmm. क्या खातिरदारी करती हो तुम गेस्ट लोग की यार? सोफा छोड़ के बेड ऑफर करती हो तुम? अपने आप को ऑफर करती हो? इसलिए आई थी ना तुम पार्टी छोड़कर? ओ आई एम सो टायर्ड एंड ऑल दैट। मैं पार्टी छोड़ के चली आई बिकॉज यू डिडंट वांट मी अराउंड। यू सीम टू बी एंजॉयिंग योरसेल्फ सो मच। कब से चल रहा है सब? जब से तुम अपने काम में बहुत बिजी रहे हो। ए, बकवास बंद करो। कौन था ये? He was someone real who was there when I needed him, not like some fictional character from your book, Rishi. मैं तुम्हारे लिए आया था शिखा, मुझे लगा तुम वाकई में बीमार हो and all that, तो चेक करने आ गया and what a bloody surprise. Calm down, Rishi. तुम मेरे लिए कभी नहीं हो, you're never there for me. अपनी फिक्शनल जिंदगी से बाहर निकल के देखो, इट्स ऋषि गौतम्स मेरी गो राउंड लाइफ, राउंड एंड राउंड। एक ही चीज, I can't remember when you and I last had a decent conversation. It's you and your bloody work. थक गई हूँ। मेरी सक्सेस देखी नहीं जाती ना तुमसे? ये करके लोगे तुम बदला? Just listen to yourself. और भी तरीके हैं ना? सुनो अपने आप को। This is what you become. तुम अपने सक्सेस और अपने काम में इतने उलझे हुए हो that you have absolutely no idea how. आज ही मिला तुम्हें ये सब करने के लिए? I'll tell you what. Okay. Let's you and me celebrate a successful relationship. Cheers. How dare you? I'm gonna kill you!
सोच भी नहीं सकता था कि तुम किसी के साथ भी मतलब Oh, don't even compare. He was always better than you. कटरीना! क्या कर रहा है भाई? I told you to get out. Hey. ये क्या किया तुमने? ये क्या? ये क्या? किसने क्या क्या है? हाँ? Hello ambulance. It's an emergency. Yeah. Yashika. Hey. Shika. Get up, yaar. Don't do this, no? Shika. I didn't forget anything, yaar. You come with me. Niche chalo. वो सरप्राइज रखा है तुम्हारे बर्थडे का. नाटक कर रहा था. तुमने कहा ना तुम भी फॉरगॉट समथिंग. अब मुझे लगा कि फंस गए. पूरा प्लानिंग ही फेल ऐसा मुझे लगा. तुमने फोन दिया. मैंने कहा हाँ बच गए. I was going to surprise you. शिखा की डेथ का ट्रॉमा आप सह नहीं पाए. मैंने कुछ टेस्ट के थ्रू आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया बट यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग. इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में इंटेंसिव ऑब्सेसिव आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं. आपकी दबी हुई मेमोरीज की वजह से आपके नाइटमेयर्स में शिखा आपको मरी हुई दिखती थी. ऋषि गौतम को बेवफाई से सख्त नफरत थी. इनफैक्ट आपके नॉवल में भी सारे मर्डर्स का कारण बेवफाई ही थी. आप उस सदमे से निकल नहीं पाए इसलिए आपने अपनी नॉवेल के फेवरेट कैरेक्टर एसीपी अश्विनी दीक्षित की आइडेंटिटी अपना ली. आधा घंटा हो गया मौत का. पता करो कि बोतल पे फिंगरप्रिंट्स किसके. क्विकली फॉरेंसिक से कहो कोनो कोनो छान मारे. आई वांट ऑल द एविडेंसेस फर्स्ट. अंकित को बोलो ऑफिस में मिले. She's beautiful. I want this case solved fast. Come on. ACP Ashwini Dixit की personality को आपने इतने पक्के तरह से अपना लिया था कि ऋषि गौतम को उससे निकाल पाना impossible हो गया था. So there was only one way out. A complete psychological breakdown of ACP Ashwini Dixit. इसलिए मैंने आपके लिए एक special program design किया था. मैंने आपकी ही novel Redemption of a Murderer की story को आपके आसपास recreate किया और इनसे आपके नॉवेल के कैरेक्टर्स को प्ले करवाया. There was no way we were getting in, so I helped to get out. I broke down Ashwini Dixit. I was so happy तुमने अपना घर ढूंढ लिया. अंकित ने आपको ऋषि गौतम के घर का एड्रेस दिया और हमने ऐसा सेटअप बनाया जिससे आप भी ऋषि की तरह शिखा पे शक करो और आपने वही किया. I was sure. ACP अश्विनी दीक्षित क्लोज ढूंढते ढूंढते राइटर ऋषि गौतम को ढूंढ ही लेगा. तो अब क्या जेल? मयूख इस केस का गवाह है. उसने कोर्ट में बयान दिया था कि ये महज एक हादसा था. मयूख कौन? उस दिन जब शिखा अपने कमरे में जा रही थी तब मयूख ने ही उसे हेल्प करके रूम तक पहुंचाया था. गिल्ट की वजह से वो वापस गया था. उसने सब कुछ देख लिया था. एवरीथिंग. मयूख ने जो गवाही दी थी जज को उसी के वजह से आज आप ट्रायल से बरी हो गए. यू आर अ फ्री मैन नाउ. डोंट वरी. आप जहां भी रहेंगे मैं आपको विजिट करूंगी. सिर्फ एक शर्त है. नेवर स्टॉप राइटिंग. Thank you. All of you, thank you.
हाय हाय कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आइए ना। सो कुछ नया लिखने की तैयारी? मैंने कुछ लिखा है। रियली? हाँ, वो क्या? एक नॉवल है। ये है ना, मेरी पहली कॉपी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। ये एक राइटर का तरीका होता है थैंक यू कहने का। वाओ, वोडका डायरीज, थैंक यू सो मच। ऑटोग्राफ? हाँ ऑफ कोर्स। मैं क्या साइन करूं, अश्विनी दीक्षित या ऋषि गौतम? आई थिंक यू विल लाइक इट। कीप राइटिंग। हाँ हाँ, आई विल। बाय। तुम्हारी सारी कविताएं डाल दी मैंने नए नॉवल में। कुछ समझ में भी आया या फिर डालना था तो डाल दिया? बात धीरे धीरे समझ में आया ना मैडम, उसी में बात है। मुझे भी सब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या रोशनी? शक कर रही हो, डेंजरस। कुछ रह गया है। अब क्या? अब ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, रोशनी का ख्याल कैसे आया तुमको? नहीं, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। तुम हमेशा हर चीज को मतलब खेरे पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां। सखेरे पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां। वो जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। सखीरी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। वो सुनना चाहे जुबा से सब कुछ वो सुनना चाहे जुबा से सब कुछ मैं करना चाहूँ नजर से बतिया। क्या है
ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें तरसती आंखें, मचलती रोहें धड़कती छतियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों, तुमने देखा है पीको आते। ना काग बोले ना मोर नाचे, ना कूके कोयल ना चटके कलियां। सखीरी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां।